नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप YouTube शॉर्ट्स में आप अपनी फोटो से वीडियो बना करके आप कैसे अपलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, YouTube शॉर्ट्स में आप अपनी फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइज़ अगर आप भी जानना चाहते हो कि यूट्यूब शॉर्ट्स में आप अपनी फोटो से वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो गाइज़ आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, और गाइज आपको ऑल पर सेट कर लेना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही मैं शॉर्ट्स फीचर पर क्लिक करूँगा, इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं एल्बम ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ गाइस, इस एप्लीकेशन से जो है आप फोटो से वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते। YouTube शॉर्ट्स में आपको फोटो से वीडियो क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी गाइस अगर आप YouTube शॉर्ट्स पर अपनी फोटो से वीडियो क्रिएट करके अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से YouTube शॉर्ट्स पर अपनी फोटो की वीडियो आप कैसे अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर से वी एन वीडियो एडिटर ऐप को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। सिंपली गाइस आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है वी एन वीडियो एडिटर, और गाइस आपको इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो आपको इस प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इसके बाद गाइस आपको फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइस आप जिस भी फोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद गाइस आपको सिंपली इस एरो पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते ही गाइस आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देखते हो आपको अपनी फोटो की टाइमिंग यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से फोटो की टाइमिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, जितनी भी टाइमिंग की आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। गाइस यहाँ पर आपको अपनी हर एक फोटो की टाइमिंग यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर फोटो की टाइमिंग को सेट कर लिया। इसके बाद गाइस आपको लास्ट वाली क्लिप पर क्लिक करने के बाद जैसे आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर जो है लोगो वाली क्लिप यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। इसके बाद गाइस आपको अपनी हर एक फोटो के बीच में आपको ट्रांजिशन ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जी गाइस फोटो के बीच में आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइस आप जिस भी तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप अपनी वीडियो में इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो फटाफट गाइस मैं पर हर एक फोटो में यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आपको भी कुछ इस तरीके से आपको अपनी फोटो में बहुत ही कमाल के ट्रांजिशन इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड हो चुका है। इसके बाद गाइस अगर आप अपनी वीडियो में म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए सिंपली गाइस यहाँ पर जो आपको म्यूज़िक ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद जैसे आप म्यूज़िक पर क्लिक करोगे और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ गाइस, आप अपने मोबाइल की स्टोरेज में से आप किसी भी सॉन्ग को आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर किसी एक सॉन्ग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चूज़ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको टिक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में यहाँ पर जो है सॉन्ग ऐड हो चुका है। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी वीडियो में सॉन्ग ऐड कर सकते हो। इसके बाद गाइस अगर आप अपनी वीडियो में फिल्टर ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों आप अपनी वीडियो में फिल्टर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह गाइस आप अपनी हर एक फोटो में यहाँ पर बहुत ही कमाल के फिल्टर आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको नीचे की और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे गाइस एफएक्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो में एफएक्स इफेक्ट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जिस भी तरह का इफेक्ट ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप अपनी वीडियो में जो है इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आप जिस भी तरह का इफेक्ट ऐड करना चाहते हो सिंपली आपको फोटो पर लाइन को लेके आने के बाद जैसे आप एफएक्स ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी वीडियो में जो है यूज़ कर सकते हो। तो फटाफट गाइस मैं यहाँ पर सभी फोटो में यहाँ पर एफएक्स इफेक्ट जो है ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में यहाँ पर सॉन्ग ऐड हो चुका है, और गाइस हमारी फोटो में बहुत ही कमाल के ट्रांजिशन इफेक्ट भी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी फोटो से बहुत ही कमाल की वीडियो यहाँ पर जो है क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस कुछ तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज करके आप अपनी फोटो से बहुत ही कमाल की वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद गाइस अगर आप अपनी वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशियो देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद गाइस अगर आप अपनी वीडियो को मोबाइल की गैलरी में सेव करना चाहते हो तो सिंपली गाइस आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो है टिक पर क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपकी वीडियो की एक्सपोर्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको
कुछ टाइम वेट करना होगा गाइस, ये वीडियो आपकी मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। और इसके बाद गाइस इस वीडियो को आप यूट्यूब शॉर्ट्स में आप बड़ी आसानी से आप अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वीडियो की एक्सपोर्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एल्बम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो वीडियो है यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके बाद गाइस आप इस वीडियो को जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो गाइस आप इस वीडियो को अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर बड़ी आसानी से जो है आप अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पर क्लिक करते यहाँ पर जो है अपलोडिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर वीडियो का टाइटल ऐड करने के बाद जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो गाइस आपकी जो वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स पर बड़ी आसानी से अपलोड हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप VN एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपनी फोटो से बहुत ही कमाल की वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब शॉर्ट्स पर आप अपलोड कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।